नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में ना हम लोग कवर करने वाले हैं एमएच अब्राहम्स की ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स। ठीक है, ये जो अपनी सीरीज चल रही है ना 1000 एमसीक्यूज की, इसमें आज हम लोग लेटर सी, एमएच अब्राहम वाली बुक से लेटर सी का जो टर्म्स है उसको हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, ये जो वीडियो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगर आप सीयूईटी पीजी फॉर इंग्लिश लिटरेचर की तैयारी कर रहे हो, नेट की तैयारी कर रहे हो, टीजीटी पीजीटी एंड डीडब्ल्यूएसबी की तैयारी कर रहे हो, तो दिस वीडियो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। क्योंकि इस वीडियो में बेसिकली आप लोगों को एमएच अब्राहम्स का जो बेसिक नॉलेज है और जितना उसका मतलब कि पैराग्राफ जो उसका रहता है उसे जितना एमसीक्यूज बन सकता है वो आप लोग को इस पूरे सीरीज में मिलने वाला है। तो आप लोग क्या करते हो, तैयारी तो कर लेते हो, ठीक है, पर वो चीज नहीं पढ़ते जिसको पढ़नी चाहिए। जैसे कि एमएच अब्राहम्स, ये हीरा है हीरा, ठीक है। और क्या करते हैं बच्चे, तैयारी करते टाइम सारी किताबें पढ़ लेंगे एकदम, बहुत सारी इधर से एडवर्ड एल्बर्ट पढ़ ली, डेविड एचेस पढ़ ली, पर आपने तो एमएच अब्राहम्स पढ़ी ही नहीं जो आपको पढ़नी चाहिए थी, राइट। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए जो एमएच अब्राहम्स से दूर भागते हैं, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे पैराग्राफ लाइन बाय लाइन नहीं समझाने वाली हूँ, मैं आप लोगों को यहाँ पे उस पैराग्राफ से जितने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन रहे हैं मैं आप लोगों को वो कवर कराने वाली हूँ। अगर आप लोगों ने लेटर ए और लेटर बी वाली वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पे जाके देख लो, वो सारी वीडियोस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग लेटर जी तक इसको कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, द टर्म कैनन ओरिजिनली रेफर्ड टू, ऑप्शन नंबर ए अ लिस्ट ऑफ बुक्स इन द हिब्रू एंड द न्यू टेस्टामेंट्स, A secular works accepted by experts as genuinely written by a particular author, a measurement rod or rule, a list of apocryphal writings. So the correct answer is a measurement rod or rule. So answer number C is correct. Next देखते हैं, the difference between the biblical canon and the literary canon lies in the explicit listing of books, the enforcement by religious authorities, the closure to additions or deletions. एंड ऑल ऑफ द अबव, सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, कैनन फॉर्मेशन इन लिटरेचर इन्वॉल्व्स अ क्लोज्ड एंड रिजिड प्रोसेस, द इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजियस सैंक्शंस, टैक्सिट रिकॉग्नाइजेशन एंड अ लूज बाउंड्री, द पावर ऑफ सिंगल ऑथोरिटेटिव फिगर्स। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, द लिटररी कैनन इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद वाइडली रिकॉग्नाइज्ड मेजर ऑथर, द टर्म कैनन वॉज फर्स्ट यूज टू डेजिग्नेट a list or catalog. The phrase carpe diem originates from Roman literature. Carpe diem poems often emphasize the brevity of life and the importance of seizing the moment. Guys, हम carpe diem का मतलब होता है seize the day, ठीक है। तो ये किस चीज पे, ये इसका क्या है, तो यहाँ पे हम लोग का seizing the moment, यहाँ पे जो ये वाला है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। The Celtic revival period in Irish literature is also known as the गेलिक रेनेसा, ठीक है। गाइस मैं आप लोगों को थोड़ी सी एक चीज बता दूं, आयरिश लिटरेचर के टाइम पे अगर आप लोगों ने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ी भी है, ठीक है, तो आप लोग जानते होंगे कि जो आयरलैंड था वो पहले ब्रिटिश के कंट्रोल में था, ठीक है। तो वहां के लोग जो थे उसी के कंट्रोल में थे, ठीक, एंड वो लोगों को उनके हिसाब से चलना पड़ रहा था। पर ये जो सेल्टिक रिवाइवल आया इसमें वो लोग खुद के लिए लड़े और सबसे पहले उन्होंने लिटरेचर पे अपना रिवाइवल को स्टार्ट किया। मैं आगे बताऊंगी कि इस रिवाइवल को स्टार्ट करने वाले कौन कौन थे, ठीक है, और आगे जाके जो हमारा जो आइलैंड है वो आजाद हो जाएगा, ठीक है। चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, आप लोग इसको लिख लेना। द एम ऑफ सेल्टिक रिवाइवल वाज टू क्रिएट अ डिस्टिंक्ट नेशनल लिटरेचर बाय ड्रॉइंग फ्रॉम आयरिश हिस्ट्री, लेजेंड एंड फोकलोर, ठीक है। तो ये बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। लेडी ग्रिगोरी कंट्रीब्यूटेड टू द सेल्टिक रिवाइवल नॉट ओनली एज अ प्लेराइट बट एज अ इंपॉर्टेंट पैट्रन एंड पब्लिसिस्ट। The prominent playwright associated with the Celtic revival was John Millington Synge. Tennis William तो होगा नहीं, है ना? William Shakespeare भी नहीं होंगे, John Millington Synge. Comment में बताना इनके दो dramas, ठीक है? The Celtic revival period lasted until the death of which prominent figure in 1939? इसका आंसर हो जाएगा William Butler Yeats. इनका बहुत बड़ा योगदान रहा था आयरिश लिटरेरी मूवमेंट को लाने के लिए, ठीक है? Who is credited with inaugurating the literary genre of the character sketch? लिटरेरी जॉनरा कैरेक्टर स्केच को किसने लाया, तो इसका जो आंसर होगा विलियम शेक्सपियर तो नहीं होगा, सर थॉमस ओवरबरी भी नहीं होगा, सो द करेक्ट आंसर इज ये थियोफ्रास्टस। व्हिच सेंचुरी सॉ अ ग्रेट वर्क फॉर द कैरेक्टर स्केच जॉनरा, 17th सेंचुरी। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स रोट कैरेक्टर स्केचेस दैट इन्फ्लुएंस लेटर राइटर्स ऑफ द हिस्ट्री एंड फिक्शन, इसे हिस्ट्री एंड फिक्शन, तो करेक्ट आंसर इज जोसेफ हॉल। Which anthology contains a collection of character sketches curated by Richard Adlington?
अ बुक ऑफ कैरेक्टर्स, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, एकदम डायरेक्ट, ठीक है? ऐसा बन सकता है कि ये वाली किताब किसने लिखी है, ठीक है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम नोट कर लो। और इसका पब्लिशिंग पीरियड, व्हाट टर्म टू द ग्राउंड्स इन अ कैरेक्टर्स टेम्परामेंट डिजायर एंड मोरल नेचर ऑफ देयर स्पीच एंड एक्शंस, सो आंसर इज मोटिवेशन। ई एम फॉस्टर, डिस्टिंक्शन, अ फ्लैट कैरेक्टर इज ऑल्सो नोन एज टू डायमेंशनल कैरेक्टर। ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं। विच कैरेक्टर इन शेक्सपियर टेम्पेस्ट रिमेन्स एसेंशियली स्टेबल थ्रू आउट द प्ले, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रोस्पेरो, अकॉर्डिंग टू नॉर्थ ऑफ फ्राई प्रपोजल्स, लाइफ लाइक कैरेक्टर्स आर लाइक आइडेंटिफाइबल वेरियंट ऑफ स्टॉक टू डायमेंशनल टाइप। ओके नेक्स्ट देखते हैं। विच कैरेक्टर इन डिकेंस ग्रेट एक्सपेक्टेशन अंडर गोज अ रेडिकल चेंज एज अ रिजल्ट ऑफ अ क्राइसिस। सो पिप, बच्चा अगर आप सीयूईटी पीजी की तैयारी कर रहे हो तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कर लेना इसको। शिवल्रिक रोमांस नरेटिव्स टिपिकली इंफेसाइज, सो कोर्टली लव एंड शिवल्रिक आइडियाज। अब आप लोगों को कमेंट में ये बताना है कि ये वाला जो शिवल्रिक रोमांस था ये कब से स्टार्ट हुआ है इंग्लिश लिटरेचर में, ठीक है? कमेंट में जरूर बताना। विच लिटररी फॉर्म डिड शिवल्रिक रोमांस नरेटिव डिस्प्लेस, सो एपिक। द प्लॉट ऑफ अ शिवल्रिक रोमांस ऑफन रिवॉल्व्स अराउंड द क्वेस्ट अंडरटेकन बाय अ सिंगल नाइट, ठीक है? श्रेटिन द ट्रॉयज अ 12th सेंचुरी फ्रेंच पोएट इज नोन फॉर राइटिंग आर्थरियन रोमांस, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। गाइस सॉरी अगर मुझसे ये सही से प्रोनाउंस नहीं हुआ होगा तो, ठीक है? बट ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट डिस्टिंग्विशेस शिवल्रिक रोमांस फ्रॉम एपिक नैरेटिव, सॉरी कोर्टली एंड शिवल्रिक सेटिंग, यहाँ पे आई छुड़ी है। इन ग्रीक ट्रेजेडीज बाई एस्काइलस एंड सोफोक्लीस द कोरस प्राइमरीली सर्व एज कमेंटेटर्स ऑन द ड्रामेटिक एक्शन एंड इवेंट। सो ये कोरस क्या था, पहले जो ड्रामा होते थे, ठीक है, पहले के जो ड्रामास होते थे उसमें बीच बीच में ना कुछ लोग आके कमेंट्री करते थे उस ड्रामेटिक एक्शंस पे और उसके इवेंट्स पे, ठीक है? ये ग्रुप ऑफ पीपल रहता था जो कि गाता भी था और गाके भी समझाता था, ठीक? तो इसको कोरस बोलते हैं। फ्रेडरिक नीत्शे स्पेक्यूलेटेड दैट एट द ओरिजिन ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी द कोरस कंसिस्टेड ऑफ गोट लाइक सटायर्स, ठीक है? विच इंग्लिश प्ले राइट इंक्लूडेड अ कोरस इन हिज रिलीजियस ट्रेजेडी मर्डर इन कैथेड्रल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड द आंसर इज टीएस एलियट। ड्यूरिंग एलिजाबेथन एज द टर्म कोरस वॉज अप्लाइड टू अ सिंगल पर्सन हु स्पोक द प्रोलॉग एंड एपिलॉग। तो गाइज आप लोगों ने इवोल्यूशन देखा, पहले एक ग्रुप रहता था, अब एक सिंगल आदमी आके प्रोलॉग या एपिलॉग बोल रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे कि ये कोरस एलिजाबेथन टाइम का है, ठीक है? पहले ग्रुप ऑफ पीपल रहते थे, पहले बहुत सारे लोग रहते थे जो कि कोरस गाते थे, ठीक है, और लोगों को बताते थे। पर एलिजाबेथन के टाइम में ना एक ही बंदा है जो कि कोरस, जो कि एपिलॉग या प्रोलॉग बोलेगा, उसको हम लोग कोरस बोलेंगे, ठीक है? चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। मॉडर्न स्कॉलर यूज द टर्म कोरल कैरेक्टर टू रेफर टू कैरेक्टर हु स्टैंड अपार्ट फ्रॉम द एक्शन एंड प्रोवाइड कमेंट्री, सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सो गाइस यहाँ पे मेरी वीडियो का हो जाता है एंड। अगर आप लोग को वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आ रही होगी तो लाइक करना एंड सब्सक्राइब कर देना, और चाहते हो कि ऐसी सीरीज आप लोगों को मिलते रहे तो जो बेल का बटन है ना वो प्रेस कर देना, ताकि आने वाली जब भी वीडियो आए यूट्यूब पे मेरी तो आप लोग के फोन में नोटिफिकेशन चला जाएगा और आप लोग देख लेना। सो बेसिकली ये वीडियो का जो सीरीज है ये चलाने का मेरा पूरा पूरा मोटिव यही है कि जो बच्चे एम एच अब्राम्स को इग्नोर करते हैं वो बच्चे भी इसको पढ़ पाए, ठीक है? तो चाहे सीयूईटी हो, चाहे नेट हो, चाहे सेट हो, क्वेश्चन डायरेक्ट एम एच अब्राम्स से बनते हैं, आप लोग मानो या ना मानो, लेकिन क्वेश्चन जो है वो एम एच अब्राम्स से ही बनते हैं, ठीक है? मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मैंने डायरेक्ट देखे हैं एम एच अब्राम्स के सीयूईटी पीजी 2023 2024 में भी, ठीक है? आप लोग चाहे दुनिया जहान की किताब पढ़ लो लेकिन एम एच अब्राम्स का कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा। इसीलिए मैं बोल रही हूँ इस सीरीज को पूरा देखो, आप लोगों के लिए ही बेनिफिशियल है, क्योंकि अगर आप लोग का नेट सेट क्वालिफाई हो जाता है तो आप लोग भाई प्रोफेसर बन जाओगे, और जो बच्चा अभी सीबीटी पीजी की तैयारी कर रहा है उसको जेएनयू डीयू बीएचयू इफ्यू जैसी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिल जाएगा। तो फायदा पूरा पूरा आप लोगों का है, वीडियो को कंटिन्यू देखते रहो एंड अपनी नॉलेज बढ़ाते रहो। सो थैंक यू सो मच अगर आप अभी भी इस वीडियो पे बैठ के मेरी बातों को सुन रहे हो एंड हाँ चलो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में जो कि रहेगी लेटर डी के ऊपर, ठीक है? चलो बाय, टेक केयर।